अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं समर हमदानी और मैं आज आपको बताऊंगा कि इस्लाम के 5 अहम सतून क्या हैं और उनका एक्चुअली मकसद क्या है मेरी नज़र में। और मैं कोई आलिम नहीं हूं, लेकिन मैं साइकोलॉजिस्ट समझता हूं, मैंने NLP की हुई है, मैं NLP कोच हूं, तो मुझे लगा कि बेहतर है कि जितनी इबादत हैं इनका जो मकसद ह्यूमन साइकोलॉजी से करीब तरीन नज़र आता है मुझे, मैं उस पर रोशनी डालूँ। नंबर 1 है शहादत। सबसे पहले तो आप ये गवाही जब दे देते हैं, दिल से कबूल कर लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं कि अल्लाह ताला एक है, उसकी जात एक है, उससे बड़ा ना कोई है ना उससे बड़ा कोई होगा, ऐसी जात है जिसके लिए सब चीजें बराबर हैं, सब चीजें एक अहमियत रखती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ उस चीज या उस शख्स को मकाम मिल जाएगा जो उसकी बारगाह में सही तरीका अपनाएगा या उसकी बारगाह में सही तरह से अपने आप को प्रेजेंट करेगा, पेश करेगा और उसका वफादार रहेगा। और ये वफादारी बेशक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और अल्लाह का बेहतरीन पैगंबर मानने के बाद ही आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि आपको उनकी उस्वाए हुस्ना पर जो है वो ईमान रखना है, यकीन रखना है और उसको फॉलो करना है। सबको फॉलो करने के बाद तो फिर आप गुरूर, तकब्बर और कीना या किसी के लिए बुराई या फसाद, इन चीजों से आप वैसे ही दूर हो जाते हैं क्योंकि आपको समझ आ जाता है किसी को बड़ा किसी को छोटा समझे ही ना, क्योंकि सबसे बड़ी जात तो उसकी। और हर सिचुएशन में आप ये सोचेंगे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ होते तो वो क्या करते, फिर आप वही करेंगे। और यही मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है। तो आप जब शहादत को दिल से कबूल करते हैं और ईमान ले आते हैं तो फिर अगले सतून जो है वो उनको समझना और आसान हो जाता है। बात करते हैं अगले अहम सतून की, जो कि है नमाज। नमाज जब आप अदा करते हैं 5 वक्त, तो अल्लाह को 5 वक्त आप एक तरह से याद रखने का वसीला बनाते हैं नमाज को। अब इसे होगा क्या, जब आपको पता है कि फजर पढ़ के मैं काम पे निकल रहा हूं तो मैं उस रब की बारगाह में हाजिर हुआ हूं और मैंने फिर जाके जोहर में उसको मुंह दिखाना है, उसकी बारगाह में जाना है, उसके घर जाना है, तो आप गुनाहों से पाक रहेंगे। लेकिन इस फिलॉसफी को समझें, समझना है आपने कि अभी मैंने फिर नमाज अदा करनी है, मैंने पाक रहना है, मैंने यार गुनाह नहीं करना, किसी के साथ ज्यादती करके मैं जा रहा हूँ मस्जिद में जोहर पढ़ने तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा, उसके बाद मैं असर पढ़ने जा रहा हूँ तो क्या मुंह लेके जाऊंगा, मगरिब पढ़ने जा रहा हूँ तो क्या मुंह लेके जाऊंगा, अभी मैंने इशा भी पढ़नी है तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा। तो एक्चुअल फिलॉसफी है आपको गुनाह से रोकना, इस चीज़ का एहसास रखना कि आपने खुदा की बारगाह में 5 वक्त हाजिर होना है, तो किसी के साथ ज्यादती नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि आप उस बारगाह में जा ना सकें। ज़कात आपके अंदर ये एहसास पैदा करेगी, ज़कात आपके अंदर ये जज्बा पैदा करती है कि जो माल आपको दिया गया है वो माल खुदा ने आपको सिर्फ इसलिए नहीं दिया कि आप अपने आप को बेहतर से बेहतर करते जाएं या बहुत अमीर हो जाएं और किसी दूसरे का एहसास ना करें, बल्कि इसलिए दिया है कि उस माल में से भी उसने डिवीजन रखी है या उसने हिस्सा रखा है उन लोगों का जिससे आपसे वसीला बनेगा और आप उनकी मदद करेंगे जो लोग अफोर्ड नहीं करते, क्योंकि यही सिस्टम है इस्लाम का। तो आप इंसान हैं, आपको रिस्क दिया गया, इसलिए दिया गया कि आप अल्लाह ताला के जो दूसरे बंदे हैं जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, जिनके पास नहीं है वसाइल, उनको जो है वो दें, माशरे में एक बैलेंस इकोनॉमी डेवलप हो सके। रमजान के रोजे क्यों रखे जाते हैं? हर साल 30 दिन आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको पता हो कि आपने पूरा साल किस तरह गुजारना है, इन 30 दिनों में क्या आप कर रहे हैं, भूख प्यास का एहसास कर रहे हैं, गुनाहों से बच रहे हैं, खुदा को याद रख रहे हैं, तस्बीहात हो रही हैं, रात इबादत में गुजर रही हैं, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी आप डोनेशन दे रहे हैं, फितराना देके खुशी मनाने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं, इसलिए कि एक साल की ट्रेनिंग, जैसे इंटर्नशिप होती है आप बारी बारी करते हैं या ट्रेनिंग लेते हैं आप किसी भी काम में, किसी भी बड़ा इदारा आपको हर साल ट्रेनिंग देता है कि एक महीना ट्रेनिंग करके फिर आए काम करें, ये ऐसे है रमज़ान का महीना। और भूख प्यास भी इसलिए आपको बर्दाश्त करनी पड़ी है कि ताकि आपको समझ आए कि आपके जिस्म की डिमांड्स क्या क्या हैं, और आप ये एहसास रख के दूसरे का एहसास करें कि जो हमने एक्सपीरियंस किया था वो दूसरा भी कर सकता है, तो लिहाजा हमें उसकी मदद करनी है। 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हज। हज का कॉन्सेप्ट क्या है? जब हर साल तमाम मुसलमान अल्लाह ताला के घर, अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं और आके एक इतना बड़ा एक जो है वो इबादत का सिलसिला करते हैं, तो उससे ये एहसास होता है
कि चाहे हम जितने बड़े हैं, जितने अमीर हैं, जितने बड़े दुनिया में जाने जाने वाले हैं, लेकिन उसकी बारगाह में हम हर एक शख्स के बराबर खड़े हैं। ये मस्जिद भी आपको ये जो है मैसेज देती है, लेकिन हज में आपको ज्यादा बारीकी से मैसेज नजर आता है, आपको नजर आता है कि कैसे अल्लाह की बारगाह में लोग आ रहे हैं अपने गुनाहों को बख्शवाने के लिए, अपने गुनाहों की तलाफी के लिए कैसे आ रहे हैं अल्लाह ताला की बारगाह में। तो बेशक बड़ी ज़ात उसकी है, एक जैसे लिबास में है, एक जैसा जो है वो तरीकाकार अपना रहे हैं, एक जैसी जो है वो अपनी इबादात का सिलसिला रखे हुए हैं, एक तरह ही वो रो के अल्लाह ताला से जो है वो माफ़ी मांग रहे हैं। ये मैसेज है हज का, ये मैसेज है नमाज का, ये मैसेज है ज़कात का, ये मैसेज है रमज़ान का। बेहतर जो भी इबादात हैं उनका बेहतर जो मकसद है, जो मुझे समझ आया, मैं वो आपसे शेयर करूँ। ये मेरा मुकम्मल मेरी ओपिनियन पे बेस्ड है, ताकि आप भी सीखें, मैं भी सीख रहा हूँ, हम सब मिलके सीखें। तो कोई भी गलती बताई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। मैं ये दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला ये जो मकसद मैंने समझाए हैं अगर आपको समझ आए हैं तो हम इस पे अमल भी करें। साथ साथ मेरा फेसबुक का पेज भी लाइक करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें, और इसके साथ यूट्यूब का चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे इजाज़त दें।